जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का बहुत ही खास टॉपिक जिसका नाम है सर्च इंजन। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख चुके हैं, आज हम बात करेंगे सर्च इंजन के बारे में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं सर्च इंजन क्या है। तो दोस्तों, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, या फिर ये कि गूगल कैसे काम करता है। तो चलिए जानते हैं, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है तो आज आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर इसका मिलने वाला है। ठीक है, चलिए जानते हैं। सर्च इंजन ही वो माध्यम है जो हमारे लिए वेब पर जानकारी को खोजने का काम करते हैं। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जैसे हमें यदि किसी संस्था, कंपनी, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि के बारे में कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सर्च टूल का, तथा इसमें से जिसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको समझ आया बहुत अच्छे से। चलो इसको एक और ढंग से और समझाती हूँ कि आप कल्पना करिए कि आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में है, जहाँ लाखों हजारों की तादाद में पुस्तकें रखी हुई है, और आपको किसी एक विशेष सब्जेक्ट की बुक लेनी है। तो आप क्या करेंगे, इतनी बुक में से आपको कौन सी पसंद आने वाली है आप कैसे ढूंढेंगे, बहुत कठिन कार्य हो गए ढूंढना। तो ठीक इसी तरह इंटरनेट पर लाखों हजारों वेबसाइट्स होती है एक ही चीज के लिए या एक ही टॉपिक के लिए, तो क्या होता है, और यहाँ से इन वेबसाइट्स को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और सर्च इंजन आपके इसी मुश्किल काम को बहुत आसान बना देता है, क्योंकि हम जिस तरह की जानकारी उसमें फीड करते हैं अपने सर्चिंग टूल में, वो हमारे सामने एक लिस्ट बना करके उन्हीं वेबसाइट्स की हमारे सामने शो करता है। नहीं तो हमारा पूरा दिन अपना टॉपिक ढूंढने में ही नेट पर निकल जाएगा, गूगल पर निकल जाएगा, क्योंकि उस पर तो हजारों लाखों की तादाद में वेबसाइट्स है अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसे ढूंढने में हमारी हेल्प करता है सर्च इंजन। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कौन सर्च इंजन्स इंटरनेट पर मौजूद है। वैसे तो हजारों की संख्या में सर्च इंजन आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ प्रमुख है जो आपके सामने इस इमेज में है, जैसे गूगल, याहू, आस्क, एमएसएन, बिंग, अबाउट। ठीक है, ये कुछ खास है या प्रमुख आप कह सकते हैं सर्च इंजन है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे सिलेबस में भी इन्हीं का जिक्र किया गया है, तो हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ओके, तो कुछ प्रमुख सर्च इंजन के नाम इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल के बारे में, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और प्रतिदिन हम इसका कहीं ना कहीं यूज करते ही है। कोई भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हमें ढूंढनी हो या फिर बड़ी से बड़ी, जैसे अगर हमें कोई रेसिपी ढूंढनी है तब हम गूगल का सहारा लेते हैं, कोई वीडियोस देखनी है तो भी हम, कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ हो या फिर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो तो हम गूगल का सहारा लेते हैं। अब आजकल पहले वाला ज़माना नहीं है कि हमें ढेरों बुक पलटनी पड़ती है एक टॉपिक के सर्च करने के लिए, हमें सिर्फ गूगल पर टाइप करना होता है और हमारे सामने पूरी लिस्ट आ जाती है उस बारे में इंफॉर्मेशन की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें गूगल की, गूगल कैसा सर्च इंजन है। तो गूगल सर्च इंजन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है। पता चला आपको, गूगल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेब सर्च है। गूगल को सन 1997 में लॉन्च किया गया था। गूगल के फाउंडर कौन है, दो कॉलेज के दोस्त थे ये दोनों, लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन। दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल सटीक होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी और आपको याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या जाना, गूगल क्या है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेब सर्च है। और गूगल को कब लॉन्च किया गया था, 1997 में। गूगल के दो फाउंडर हैं, दोनों दोस्त थे वे अपने कॉलेज के, तो उनका नाम है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन।
ये दो फाउंडर है किसके, गूगल के, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ये आपको अपने एग्जाम में नोट करना है, लिखना है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि गूगल की खोज कौन से सन में हुई। कई सारे आपको ऑप्शन दे देगा तब आपको पहचानना होगा, या फिर आपसे दो नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है कि गूगल सर्च इंजन के बारे में बताइए। तो आपको लिखना है कि गूगल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है और इसकी स्थापना या इसको लॉन्च किया गया था 1997 में। गूगल के फाउंडर है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। याद हो गया आपको, आगे चले। चलिए अब बात करते हैं अगले सर्च इंजन के बारे में, ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ, बिंग। बिंग दूसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है। बिंग को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और बिंग सर्च इंजन को सन 2009 में लॉन्च किया गया था। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था यानी 2009 में। तो क्या लिखेंगे आप बिंग के बारे में, बिंग दूसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है और बिंग की स्थापना किसने की थी या किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। बिंग सर्च इंजन को सन 2009 में लॉन्च किया गया था। क्लियर हुआ आपको ये सब, आगे चले। चलिए बात करते हैं अब याहू सर्च इंजन के बारे में। दोस्तों याहू सर्च इंजन दुनिया का तीसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है। याहू सर्च को 1995 में लॉन्च किया गया था और यह काफी पुराना सर्च इंजन है और काफी पॉपुलर भी है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि याहू सर्च इंजन के बारे में बताइए तो आप बिल्कुल बताइएगा। क्या पहले तो आप यही बता दीजिएगा कि सर्च इंजन क्या होता है, अगर आपके एग्जाम में दो नंबर में प्रश्न बनता है उसके बाद आप याहू के बारे में बताइएगा कि क्या हुआ। याहू तीसरा दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है और इसकी स्थापना हुई 1995 में और ये काफी पुराना सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, उससे पहले हम फटाफट से रिवीजन करेंगे क्या हमने आज पढ़ा। तो सबसे पहले हमने जाना कि सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वेब पर जानकारी खोजने का काम करते हैं। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वही नॉलेज या वही इंफॉर्मेशन वो हमारे सामने एक आप कह सकते हैं कि लिस्ट बना करके आपकी स्क्रीन पर दर्शा देता है, कौन, सर्च इंजन। ठीक है दोस्तों, और आपको इतना एक चुटकी बजाने तक के टाइम यानी मिनट सेकंड के अंदर अंदर ही आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन, आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आपके सामने ला देता है। उसके बाद हमने बात करी कुछ प्रमुख सर्च इंजन के बारे में जिनके नाम हैं गूगल, याहू और बिंग। तो गूगल की खोज होती है 1997 में और इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। बिंग की खोज हुई थी 2009 में और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे लॉन्च किया था। याहू की खोज हुई थी 1995 में। दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है तीनों जो आपके सामने ये सर्च इंजन है इनकी लॉन्चिंग ईयर आपको बताना है कि इनको कब लॉन्च किया गया था। गूगल, बिंग और याहू को कब कब लॉन्च किया गया है, यही आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, आपसे यहीं विदा लेती हूँ, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।